सो गाइस, आज का वीडियो हमारा वीकली अपडेट का पार्ट टू है, जिसमें तुम्हें पता है मैं तुम्हें सारी अपडेट्स देता हूँ एनिमे, टीवी सीरीज और मूवीज के रिगार्डिंग। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या नया आ रहा है इन तीन कैटेगरीज में से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली है। तो अब गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एनिमे से। तो जो डिजिमोन फैंस हैं उनके लिए एक ग्रेट न्यूज है, वो ये है कि डिजिमोन एडवेंचर नाम से उसका न्यू सीजन आ रहा है जो रिलीज होगा अप्रैल में। और साथ साथ गॉब्लिन स्लेयर एनिमे की एक न्यू मूवी आ रही है गॉब्लिन स्लेयर क्राउन नाम से, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। गाइस, आप लोग मानोगे नहीं, इसका फर्स्ट सीजन इतना हिट हुआ था कि इसलिए अब इसकी न्यू मूवी भी आ रही है। तो अब देखते हैं कि इसकी न्यू मूवी कैसी होगी। सो गाइस, इसके बाद एक और एनिमे का सीक्वल आ रहा है जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इसका सीजन 2 आ रहा है जो रिलीज होगा अक्टूबर 2020 में। तो इसको तो यार काफी टाइम है। इसके साथ साथ फ्रूट बास्केट एनिमे का भी सीजन 2 आ रहा है जो रिलीज होगा स्प्रिंग सीजन में। जो लोग ने इसका फर्स्ट सीजन देखा है वो लोग इसे डेफिनेटली देखना, बिकॉज ये काफी अच्छा एनिमे था। अब गाइस, आने वाले एनिमे का जो नाम है उसके नाम बताने से पहले मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। गाइस, इस एनिमे ने क्रंचीरोल 2018 का एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, जिसका नाम है मेड इन एबिस। इसका सीक्वल अनाउंस हुआ है, तो अब देखते हैं कि कब आता है इसका सीक्वल, क्योंकि अभी तो बस अनाउंसमेंट हुई है। तो अब गाइस, एनिमे मूवीज की बात करें तो देखो यार, इस साल तो बहुत सी एनिमे मूवी रिलीज होने वाली है, बट उनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। जिनके बारे में हमें पता है तो देखो, मैं उनका नाम बताता हूँ। पहली वाली का नाम है वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप, जिसका टीजर अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हो। और दूसरी का नाम है शिराबाको, जिसका न्यू विजुअल पोस्टर आ चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई खबर नहीं है अभी तक तो। और गाइस, एक सरप्राइजिंग की बात तो ये है कि आपको ये याद ही होगा, नेटफ्लिक्स की एक द विचर नाम की सीरीज आई थी, वो दोस्तों इतनी हिट हुई कि उसकी एक नेटफ्लिक्स वाले एनिमे फिल्म बना रहे हैं जो विचर की साइड स्टोरी होगी, और इस एनिमे फिल्म को एनिमेट करेंगे द लेजेंड ऑफ कोरा वाले। तो अब देखते हैं ये फिल्म कब रिलीज होती है। इसके साथ साथ ग्रेट प्रिटेंडर नाम से एक न्यू एनिमे आ रहा है जो रिलीज होगा जुलाई में, और काकुशु गीटो करके एक और न्यू एनिमे आ रहा है जो रिलीज होने वाला है अप्रैल की 2 तारीख से। और जिसने अब तक माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का पार्ट 2 का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, वो यूट्यूब पर अवेलेबल। दोस्तों, लास्ट न्यूज एनिमे से, तो ये वाली न्यूज में तुम्हें बताना भूल गया था मेरे फर्स्ट अपडेट वीडियो में कि जापान फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इंडिया में। आई थिंक ये पता ही होगा सबको, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इसकी बहुत ऐड आ रही है। तो जो लोग मुंबई से है वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कल लोखंडवाला इन्फिनिटी मॉल में बहुत सी एनिमे मूवीज लगने वाली है, जैसे वेदरिंग विथ यू और योर नेम। और देखो गाइस, ये लास्ट डे है मुंबई में, तो तुम लोग इसका फायदा उठा सकते हो। इसकी एंट्री फीस एकदम फ्री है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर मूवी का शेड्यूल बता देता हूँ, आप देख सकते हो शो के टाइमिंग्स, तो पॉज करके देख लेना। तो अब दोस्तों, बात कर लेते हैं टीवी सीरीज की। इस साल तो यार नेटफ्लिक्स ने बहुत खर्चा किया है बहुत सी सीरीज को प्रोड्यूस करने में। तो उन सीरीज का नाम है, पहली तो है रैग्नारॉक, जिसका ट्रेलर देख के ही लग रहा है कि ये सीरीज आतंक मचाने वाली है। ये सीरीज रिलीज होगी 31 जैन को नेटफ्लिक्स पर। जो नार्कोस के फैंस हैं उनके लिए ग्रेट न्यूज, नार्कोस मेक्सिको का सीजन 2 आ रहा है जो रिलीज होगा 13 फरवरी को। गुड गर्ल्स का सीजन 3 आ रहा है जो जल्द ही 2020 में रिलीज होगा। और साथ साथ लॉक एंड की करके एक न्यू सीरीज रिलीज हो रही है जो अवेलेबल होगी नेटफ्लिक्स पर 7 फरवरी को। और गाइस, हंटर करके भी एक न्यू सीरीज आ रही है जो अवेलेबल होगी अमेजोन प्राइम पर 21 फरवरी को। और द प्लॉट अगेंस्ट अमेरिका, जो मोस्ट अवेटेड HBO की सीरीज है, वो रिलीज होगी 16 मार्च को HBO पर। और साथ साथ वॉकिंग डेड बियॉन्ड, जो रिलीज होगा 12 अप्रैल को AMC चैनल पे। और बहुत सारे ऐसे बहुत से सीरीज है जिसके सीक्वल्स बस अनाउंस्ड हुए हैं। तो अब दोस्तों, अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, जो कि है मूवीज का। देखो गाइस, सबसे एपिक मूवी जो इस साल रिलीज होगी वो है ब्लडशॉट,
तुम लोग लिख कर ले लो, ये मूवी बहुत हिट होगी, जिसके मेन स्टार विन डीजल है और ये मूवी AI बेस्ड है, तो इसके विजुअल और VFX तो यार नेक्स्ट लेवल होंगे। ये मूवी रिलीज हो रही है 13 मार्च को। और गाइस, ग्रीटल एंड हैंसल करके एक न्यू हॉरर मूवी आ रही है जो रिलीज होगी 30 जनवरी को। उसके साथ साथ DC की एक न्यू अपकमिंग मूवी आ रही है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे, वो रिलीज हो रही है 7 फरवरी को, जिसमें हार्ली क्विन जब जोकर से अलग हो जाती है, ये उसके बाद की कहानी है। और अब जो मूवी है जो हमारे फेवरेट चाइल्डहुड गेम पर बेस्ड है, जिसका नाम है सोनिक द हेजहॉग, जो रिलीज होगी 9 फरवरी को। इसके साथ साथ ब्रहम्स द बॉय 2 और द इनविजिबल मैन, ये भी दोनों अपकमिंग हॉरर मूवी है जो रिलीज होगी 20 फरवरी को और दूसरी वाली 27 फरवरी को। इन दोनों हॉरर मूवी का ट्रेलर आ गया है, आप YouTube पर देख सकते हो। एक अपकमिंग एनिमेटेड मूवी भी आ रही है ट्रोल्स फ्रेंचाइज से, जो रिलीज होगी 12 मार्च को। तो अब गाइस, आज के लिए बस इतना ही समाचार। जितना मुझे मिला है मैं आपको बता दिया हूँ। आई नो इसमें से आपको कितनों के बारे में तो पता ही होगा और कितनों के बारे में नहीं भी, इसलिए मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। इसमें आपको जो देखना है आप देख सकते हो इन सब चीज़ों में से। तो अब दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरेगा तो गुजाए।